अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो जिस तरह आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे, यूट्यूब पे हर बंदा लिख रहा था कि हमें एक दफा प्रॉब्लम एटलीस्ट बताई जाए कि गन में इश्यू क्या आया था। तो बेसिकली ये देखें, ये वो प्रेशर नॉब, ये क्या होता है कि अभी ये CQ के अंदर या AR-15 राइफल जो ये बेस पे CQ बनी हुई है उसके साइड पे ये नॉब होती है, जिसे लोग फॉरवर्ड असिस्ट भी कहते हैं या फिर इसको प्रेशर नॉब भी कहते हैं, प्रेशर पंप भी कहते हैं। इसको दर्रे में प्रेशर पंप कहा जाता है, पेशावर में प्रेशर पंप कहा जाता है, लेकिन इसका नाम, इसको वेरियस नाम इसको पाकिस्तान में दिए हुए हैं। ये साइड पे होता है। बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि एक तो अगर गोली फंस जाए, अगर पीछे से फंस गए आप कॉक करते हैं, गोली अंदर नहीं गई तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये बोल्ट को प्रेस करेंगे, पुश करेगी और गोली अंदर चली जाएगी। और दूसरा इसका यह है कि अगर आपने रेंज बढ़ानी हो तो आप इसको प्रेस करके, फुली प्रेस करके फायर करते हैं तो क्या होता है कि बोल्ट नहीं लगता और गैस का प्रेशर बनता है जिससे गोली और तेज आगे जाती है। तो वहां पर रेंज में मेरा ख्याल है, हमें पक्का आइडिया कि हमारे साथ एक साहब थे, उन्होंने इसको आधा प्रेस करके फायर किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी नॉब आगे से, ये जो इसकी ये कील है या इसकी जो ये स्क्रू है या जो जो पार्ट है, पिन है, ये टेढ़ा हो गया। ये टेढ़ा हो गया जो कि असूलन टेक्निकली नहीं होना चाहिए, कि कितनी मिलिट्री ग्रेड राइफल उसका नहीं होना चाहिए, बार हो गया। जिसकी वजह से हमने फिर अब इसका ये फॉल्ट डिटेक्ट किया एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, और अब लकीली हमारे पास चाइना के पार्ट्स क्योंकि आते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास CQ का एक स्टॉक मौजूद है तो चाइना के पार्ट्स आते रहते हैं, तो उसमें हमें ये एक पिन एक्स्ट्रा मिल गई, बल्कि कई काफ़ी पिन मिल गई और भी सामान हमारे पास मौजूद है। तो अब हम इस पिन को चेंज करके दोबारा रेंज पर जाएंगे और फिर आपको अपडेट करते हैं। क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको क्विक अपडेट दी है। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो गाइज, मैं आपको जिस तरह बता रहा था एक बार फिर, अब ये देखें ये राइफल रेडी है पूरी, हमने इसके अंदर से वो पार्ट चेंज कर लिया। अब ये देखें वो साउंड अब इसमें नहीं आ रही। सारा प्रॉब्लम इस पंच का था, इस क्लिप का था। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप CQ लेते हैं प्लीज़ तो इसको दबाएं नहीं, इसको यूज़ मत करें अंटिल लेस आपके पीछे गोली ना फंस जाए। प्रेशर बढ़ाने के लिए अगर आप इसको प्रेस करके फिर फायर करेंगे तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि इशू आ जाए, लेकिन अगर खुदा ना, अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है ये काम करना तो आप इसको पूरा दबाएं फुल फ्लैच, फिर आप इसको फायर करें ताकि प्रेशर अंदर बिल्डअप हो जाए और इशू ना हो। अब हमारी बारी पे इशू ये हुआ कि उन्होंने इसको सेमी दबाया, हाफ दबाया, ये थोड़ा सा दबा के रखा और पीछे से फायर करते गए वो जो साहब थे वहाँ पर, और बस उसकी वजह से ये इशू आया। बहरहाल अब ये ठीक हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, कोई इसमें अब इशू नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। देखिए दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ, करके मेरे स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ, एक दबाव करो, देखिए बिल्कुल स्मूथ है। अब इसकी फंक्शन, इसका प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हो गया। तो बस अब ये आपने, मैंने पहले बताया कि इस चीज़ से बिल्कुल इज्तनाब करें कि पहले तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नई जो ARs आ रही है उसमें ये फॉरवर्ड क्लिप या जो पाकिस्तान में इसको कहते हैं प्रेशर पंप या प्रेशर पिस्टन या प्रेशर नॉब, ये है ही नहीं, ठीक है ना, वो अब नई ARs में है ही नहीं, क्योंकि इसका यूजेज नहीं है, ये उल्टा ख़राब कर देता है। अगर ये इसकी नॉब निकल आई, जैसा मेरे केस में निकल आई थी, तो ये आपके बोल्ट को तबाह कर देगा। और मैं ये समझता हूँ कि राइफल में कोई बुराई नहीं है एज सच, लेकिन ये मिलिट्री ग्रेड की राइफल नहीं है, ठीक है, जैसे मिलिट्री ग्रेड का, हाँ सिविलियन ग्रेड की है, 10 से 12 हज़ार राउंड चलाएगी। अभी भी अगर मैं इसके समय चलाता रहता जो इसमें इशू था, तो मेरे ख्याल में 2-2.5-3 हज़ार राउंड चलाती फिर जाके कुछ गड़बड़ करती, लेकिन फिलहाल देर इज़ नो सच इशू, गन बेहतरीन है। 10-12 हज़ार राउंड मैंने जब बताया इसके बैरल पर आराम से जाते हैं और इसमें कोई इशू नहीं है, परफेक्ट राइफल है। पाकिस्तान की जो फुली लोकल मेड होती हैं या जिसके अंदर ये कहते हैं छोटा बोल्ट ओरिजिनल है, बड़ा बोल्ट इंग्लिश है, फलाना है, वो 170-180 की मिल रही हैं, उससे बेहतर गो फॉर दिस वन। एटलीस्ट इसके पार्ट्स चाइनीज़ अवेलेबल हैं और चाइनीज़ वेरिएंट्स के पार्ट्स बहुत अच्छे तरीके से अभी अवेलेबल हैं मार्केट में। तो जो इशू था मैंने आपको बता दिया है, प्लीज़ इससे इज्तनाब करें, इसको प्रेस करके फायर ना करें, एक्सपेरिमेंट्स करने से गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि दोबारा बताऊंगा कि बहुत अच्छी राइफल है, सब बातें अपनी जगह, लेकिन ये मिलिट्री ग्रेड की राइफल नहीं है जो इस किस्म की, इस तरह किस्म की चीज़ें बर्दाश्त कर सके। एनीवेज, बट द राइफल इज़ स्टिल गुड। ये नहीं कि मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है, क्या मैं इस राइफ़ल को रखूँगा, मेरे पास मौजूद है, हाँ क्या ये इस प्राइस में वर्थ करती है, वो फिर आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें जानते हैं। तो बहरहाल एनीवेज द राइफल इज़ देयर, द इशू इज़ सॉल्व। और हाँ, ये वाले पार्ट्स जो उसमें जो इशू आया है, अगर किसी और के साथ भी वो इशू आता है तो हमारे पार्ट्स ओरिजिनल चाइना के ये वाले पार्ट्स अवेलेबल हैं शॉप में, और भी इसके काफ़ी सारी एसेसरीज अवेलेबल हैं, लेकिन ये पार्ट्स भी अवेलेबल हैं चाइना के, तो प्लीज़ डू लेट अस नो। सो एनीवेज थैंक यू वेरी मच, लेट्स
लेट्स सी व्हाट हाउ इट परफॉर्म्स इन द रेंज. बाय द वे इट हैज एन ऑसम ऑसम जो इस गन में जो मुझे अच्छी चीज लगी है, बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत जबरदस्त एक्यूरेसी है, वो आप देखें कैसे. Ready?